ओके अब क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.2 में से। क्वेश्चन है Anita and Namita are partners in business for some years. Their capitals are in the ratio of rupees 3 lakh and rupees 2 lakh respectively. Yogita wants to join the business with a capital of rupees 4 lakh. They agree that the goodwill will be considered as 2 times the average of the last 3 years' profit. आगे दिया है द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years आर रुपीज 60,000, 70,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली. वॉट आर द अमाउंट्स टू बी पेड बाय योगिता टू अनीता एंड नमिता एज गुडविल. अब यहाँ पे ओरिजिनली 2 पार्टनर्स थे अनीता एंड नमिता जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और उनका कैपिटल दिया हुआ है रुपीज 3 लाख एंड 2 लाख करेक्ट. और कुछ टाइम बाद योगिता को बिजनेस ज्वाइन करना है विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 4 लाख. तो इनिशियली जो भी गुडविल कैलकुलेट होगा उसमें से हम योगिता का शेयर तो डेफिनेटली फाइंड आउट करेंगे और उसी शेयर को हम स्प्लिट करेंगे अनीता एंड नमिता में. अब यहाँ पर दिया है कि गुडविल कैसे ये लोग कैलकुलेट कर रहे हैं. अब यहाँ दिया है गुडविल इज 2 times द एवरेज ऑफ लास्ट 3 years प्रॉफिट. तो पहले हम गुडविल कैलकुलेशन करते हैं. सो जो टोटल गुडविल अमाउंट है सो द गुडविल अमाउंट दिया है इट इज 2 times एवरेज ऑफ लास्ट 3 years प्रॉफिट. सो इट इज द एवरेज ऑफ लास्ट 3 years प्रॉफिट करेक्ट. यानी कि 2 times. अब 3 साल का प्रॉफिट ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है. फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट दिया है 60,000, फिर है 70,000 और थर्ड ईयर का प्रॉफिट है 50,000. इसका एवरेज यानी कि डिवाइड बाय 3 करेक्ट. तो ये हो जाता है 2 times 130 180 बाय 3 यानी कि ये हो जाता है अगर एवरेज आउट करते हैं 60 तो इसका एवरेज वैल्यू आता है 60,000 इंटू 2. तो जो गुडविल अमाउंट है वो है 1,20,000 करेक्ट. अब ये जो गुडविल है वो तीनों पार्टनर्स में शेयर होगा इन द रेशियो ऑफ द कैपिटल बिकॉज टाइम पीरियड के बारे में यहाँ कुछ भी नहीं दिया है. तो पहले हम ढूंढेंगे गुडविल शेयरिंग रेशियो तीनों पार्टनर्स का. सो फर्स्ट विल कैलकुलेट द गुडविल शेयरिंग रेशियो. फर्स्ट पार्टनर कैपिटल है रुपीज 3 लाख तो रेशियो आएगा रुपीज 3 लाख इज टू. सेकेंड पार्टनर का कैपिटल है रुपीज 2 लाख 2 3 4 5 और थर्ड पार्टनर यानी योगिता का कैपिटल है 4 लाख. तो फाइनली गुडविल शेयरिंग रेशियो रिड्यूस होने के बाद हमें मिलता है 3:2 2:4 करेक्ट. अब इसमें से 4 पार्ट्स है योगिता के. सो हम पहले यहाँ पर टोटल पार्ट्स लिख लेते हैं. सो टोटल पार्ट्स हो जाते हैं 3 + 2 + 4 यानी 9 पार्ट्स. उसमें से हम पहले कैलकुलेट करेंगे योगिता का शेयर. सो योगिताज शेयर इन गुडविल योगिता को मिलेंगे 4 पार्ट्स आउट ऑफ 9 पार्ट्स इनटू द टोटल गुडविल अमाउंट. टोटल गुडविल अमाउंट है 1,20,000. तो अगर हम इसे रिड्यूस करते हैं 3 3s एंड 3 into ये हो जाता है 40,000. तो ये हमें मिलता है 1,60,000 डिवाइड बाय 3. तो ये अमाउंट जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है योगिता का शेयर किसमें टोटल गुडविल में. लेकिन ये शेयर योगिता नहीं लेते हुए ये किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है वो अनीता एंड नमिता को. मतलब ये जो शेयर है योगिता का वो अनीता एंड नमिता में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन द रेशियो 3:2. तो हम लिखेंगे दिस शेयर ओके विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड amongst which 2 partners Anita and Namita. So it will distribute it to Anita and Namita in the ratio 3:2, करेक्ट. मतलब योगिता के शेयर का हमें स्प्लिट करना है, दैट इज 3:2 में. अब यहाँ पर टोटल पार्ट्स कितने हो गए? सो टोटल पार्ट्स यहाँ पर हो जाते हैं 5. सो 3+2 ये हो गया 5. सो देयरफॉर हम कह सकते हैं अमाउंट रिसीव्ड बाय अनीता. अब ये किससे रिसीव कर रही है? फ्रॉम योगिता. इज इक्वल टू, इसे मिलेंगे 3 पार्ट्स आउट ऑफ 5 पार्ट्स इनटू योगिता का जो शेयर था. योगिता का शेयर था 1,60,000 डिवाइडेड बाय 3. तो अगर हम ये क्रॉस आउट करते हैं और ये डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है 32,000. यानी कि योगिता अनीता को 32,000 पे करेगी. एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय नमिता, ओके, फ्रॉम अगेन योगिता. तो इसे कितने पार्ट्स मिलते हैं? 2 पार्ट्स. सो 2/5 इंटू 1,60,000 डिवाइडेड बाय 3. तो अगर हम ये कैलकुलेट करते हैं 1,60,000 इंटू 2 दैट इज 3,20,000 डिवाइड बाय 15, तो हमें फाइनल वैल्यू मिलता है 21,333.33 यानी 21,333.33. तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये. पहले आप गुडविल अमाउंट कैलकुलेट कीजिए जो है 2 times एवरेज ऑफ लास्ट 3 years प्रॉफिट. तो लास्ट 3 years का हमने एवरेज प्रॉफिट ढूंढा, उसका 2x. तो ये आ गया टोटल गुडविल अमाउंट. अब इसमें से हम पहले योगिता का शेयर ढूंढेंगे, राइट. अब गुडविल शेयरिंग रेशियो है इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ द कैपिटल्स. तो कैपिटल रेशियो हमें मिला 3:2:4. इसमें से 4 पार्ट्स किसको जाएंगे? योगिता को, राइट. और टोटल पार्ट्स कितने हैं? 9. तो हमने पहले योगिता का शेयर ढूंढ लिया गुडविल अमाउंट में से. तो ये आता है योगिता का शेयर टोटल गुडविल में से. लेकिन ये गुडविल योगिता अनीता एंड नमिता को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी बिकॉज उसने तो अभी अभी बिजनेस ज्वाइन किया है, करेक्ट. तो ये जो अमाउंट है 1,60,000/3 ये हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंगस्ट अनीता एंड नमिता. और क्या रेशियो में? 3:2. अब यहाँ टोटल पार्ट्स हो जाते हैं 5. सो अनीता को जो अमाउंट मिलेगा योगिता से वो होगा 3/5 इंटू योगिताज शेयर जो योगिता का शेयर था. सो अनीता को मिलते हैं ₹30,000 कहाँ से? योगिता से. और नमिता को मिलते हैं 2 पार्ट्स आउट ऑफ 5 ऑफ योगिता शेयर विच इज 21,333.33.